Hello and welcome. In this video, we will discuss second chapter of class 6, whose name is Noida Boy Climbs Peak. तो आज हम एक नोएडा बॉय के बारे में जानेंगे जो नोएडा का रहने वाला है, जिसने पीक को क्लाइंब किया, बी इट माउंट एवरेस्ट और माउंट लोसे. अ 17 ईयर ओल्ड नोएडा बॉय अर्जुन वाजपेयी, हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन मे 2011, हैज बिकम द यंगेस्ट पर्सन एवर टू रीच द समिट ऑफ माउंट लोसे. तो एक 17 साल का लड़का जिसने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया 2011 में, वो यंगेस्ट बंदा बना, सबसे कम उम्र वाला बंदा बना जिसने माउंट लोसे को क्लाइंब किया, जो कि 8516 मीटर की ऊंचाई पर है और फोर्थ हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में. अर्जुन हैड क्लाइंब्ड एवरेस्ट इज 16 इयर्स ओल्ड, बट हिज रिकॉर्ड वाज शैटर्ड अबाउट एन आवर लेटर व्हेन अ 13 ईयर ओल्ड अमेरिकन रीच्ड द पीक. तो अर्जुन ने 16 साल की उम्र में ही एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया था और एक रिकॉर्ड सेट कर दिया था. हालांकि वो रिकॉर्ड खाली एक घंटे के लिए ही रहा, एक घंटे बाद ही एक 13 साल का लड़का माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया था. ऑन फ्राइडे मे 20, 2011 मॉर्निंग, हाउएवर, अर्जुन अनएम्बिगियसली बिकेम द यंगेस्ट टू समिट माउंट लोसे, जस्ट 332 मीटर्स लोअर देन एवरेस्ट, बट अ मच टफर पीक टू क्लाइंब. लेकिन जो अर्जुन था, उसने जो रिकॉर्ड बनाया वो माउंट लोसे पर चढ़कर बनाया, जो 332 मीटर नीचे है माउंट एवरेस्ट से. मतलब माउंट एवरेस्ट जो है वो 332 मीटर से ऊंची है, लेकिन माउंट लोसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पड़ती है क्लाइंब करने में रादर देन माउंट एवरेस्ट. हिप हिप हुर्रे मॉम, आई डिड इट. तो काफ़ी खुश होते हुए अर्जुन बोलता है, हिप हिप हुर्रे मॉम, मैंने ये कर दिखाया. अर्जुन सेड टू हिज मदर प्रिया वाजपेयी, तो उनकी उसकी मॉम का नाम क्या था, प्रिया वाजपेयी, थ्रू सैटेलाइट फोन फ्रॉम द माउंटेन टॉप मिनट्स आफ्टर रीचिंग द पीक. तो विद इन मिनट्स जब वो पीक पर पहुंच गया माउंट लोसे के, तो अर्जुन ने फोन किया सैटेलाइट फोन के थ्रू, अपनी मॉम को फोन किया और बोला कि मॉम मैंने कर दिखाया, आई कैन सी माउंट एवरेस्ट एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. तो कहता कि मैं यहाँ से माउंट एवरेस्ट को देख सकता हूँ और वो बहुत प्यारी दिख रही है. आई एम एंजॉइंग द व्यू, सेड द टीम who had left for the expedition a day after finishing his class 12th board exam in April 2011, जो कि उस एक्सपीडिशन पे निकल गया था एक दिन बाद ही अपने एग्जाम खत्म होने के. उसने अपनी मॉम को बोला कि मैं यहाँ से माउंट एवरेस्ट को देख पा रहा हूँ और मुझे वो काफ़ी अच्छी लग रही है. अर्जुन रीच्ड द समिट एट 8:20 AM, तो कब पहुँचा वो समिट पे, चोटी पे, 8:20 पे, accompanied by his Nepali climbing guides नेगा डोरजी शेरपा. तो नेगा डोरजी शेरपा उसका एक नेपाली क्लाइंबिंग गाइड था, उसके साथ नवंग शेरपा एंड नीवा शेरिंग शेरपा, तो इन तीनों के साथ वो वहाँ पे पहुँचा. सेड एंग शेरिंग शेरपा इन काठमांडू, हुज एशियन ट्रैकिंग हैंडल्ड द 17 ईयर ओल्ड क्लाइंबिंग परमिट एंड अदर लॉजिस्टिक्स, जिसके पास एक क्लाइंबिंग सर्टिफिकेट है और सारे के सारे साजो सामान हैं चढ़ने के लिए, और वो 17 साल का एक्सपीरियंस है. आई एम डिलाइटेड एज ही नाउ बिकम्स द यंगेस्ट क्लाइंबर इन द वर्ल्ड टू स्केल लोसे. तो उसने क्या बोला कि मैं काफ़ी खुश हूँ कि वो, मतलब जो अर्जुन है, वो बन चुका है यंगेस्ट, सबसे ज़्यादा कम उम्र वाला क्लाइंबर माउंट लोसे को चढ़ने वाला. द रेयर इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट सेट ऑन अ कैरियर ऑफ एडवेंचर. तो ये रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था और इसने अपना कैरियर किस में एस्टेब्लिश किया, एडवेंचर में. ही वॉन्ट्स टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ लेजेंडरी क्लाइंबर रेनहॉल मेजनर बाई सबमिटिंग ऑल 14 over 8,000 मीटर पीक्स इन द वर्ल्ड, एमिंग टू बी द यंगेस्ट टू अचीव द फीट. तो उसने क्या अपना टारगेट सेट कर रखा है अर्जुन ने, कि मैं जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सकता है, 14 ऐसी जो पीक है जो 8000 मीटर से ऊपर है, उनको मैं चढ़ना चाहता हूँ. अर्जुन's नेक्स्ट स्टॉप इज द साउथ पोल वेयर ही एम्स टू गो दिस विंटर. तो अर्जुन का अगला स्टॉप क्या है, साउथ पोल पे जाना है उसे. वाइल हिज पीयर्स एट स्कूल विल बी बिजी विद कॉलेज एडमिशन एंड मेकिंग स्मार्ट कैरियर चॉइसेस, अर्जुन विल सीक स्पॉन्सर्स फॉर द मिशन. उसके फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, उसके फ्रेंड्स इस टाइम कॉलेज में एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं, देख रहे कि कौन सा कैरियर उनके लिए अच्छा है. लेकिन अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए सारी की सारी जो 14 उसको
चोटियों को चढ़ना है जो 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली है, उसके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढ रहा है कि कौन पैसा देगा। आई हैव क्लाइंब माउंट एवरेस्ट एंड नाउ वुड लाइक टू गो टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल। आई वुड ऑल्सो लाइक टू क्लाइंब द 12 रिमेनिंग हाइएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड, ही टोल्ड द टाइम्स ऑफ इंडिया इन एन इंटरव्यू। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू लिया इस बंदे का और इसने बोला कि मैं 2 चोटियाँ तो चढ़ चुका हूँ, अब मुझे 12 और चढ़नी है राइट नाउ। हाउ एवर हिज पेरेंट्स जस्ट वॉन्ट हिम बैक होम। लेकिन अभी क्या चाहते हैं उसके पेरेंट्स, कि वो घर पर वापस आ जाए। आई डिड नॉट स्लीप एट ऑल लास्ट नाइट वेटिंग फॉर अर्जुन कॉल, मदर प्रिया वाजपेयी सेड। तो प्रिया वाजपेयी जो उसकी मॉम थी, उन्होंने कहा कि मैं लास्ट नाइट पूरी रात नहीं सोई उसकी कॉल का इंतजार करते करते। जस्ट हियरिंग हिज वॉइस वॉज सच अ रिलीफ। उसकी आवाज़ सुनकर काफ़ी सुकून मिला, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो चोटी पे चढ़ रहा था तो खतरा काफ़ी ज़्यादा होता है ना। तो मोम को काफ़ी रिलीफ मिला जब उसकी कॉल आई। एट द सेम टाइम आई कुड नॉट कंट्रोल माई इमोशन। इट इज़ अ मेमोरेबल टाइम ऑफ माई लाइफ, माई सन इज़ फुलफिलिंग माई ड्रीम। और साथ में साथ जब उससे बात हो रही थी तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, मोम बोली, और वो काफ़ी मेमोरेबल टाइम था मेरी लाइफ के लिए, और क्योंकि मेरा बेटा मेरे ड्रीम्स को फुलफिल कर रहा था। माई सन विल बी रिटर्निंग टू बेस कैंप टुमारो एंड विल बी इन नोएडा बाई ट्यूजडे। तो मॉम ने बोला कि मेरा जो बेटा है वो कल वापस आ जा बेस कैंप पे वापस आ जाएगा और ट्यूजडे तक नोएडा में वापस आ जाएगा। हुज इमेज अर्जुन हैज बिन कैरिंग विद हिम फॉर इंस्पिरेशन थ्रू हिज ग्रूलिंग क्लाइम्स इन द डेथ जोन अबाउ 8,000 मीटर्स। तो 8,000 मीटर से भी ऊंची पहाड़ी पे चढ़ते हुए उसने अपने मोम की पिक्चर रखी हुई थी, जो डेंजरस क्लाइम्स, जो काफ़ी थका देने वाली क्लाइम्स थी, उनको चढ़ते हुए। एवरी मिनट इज लाइक अ डे फॉर मी, हर मिनट एक दिन लगता था। आई एम डेस्परेट टू मीट माई सन, बट वाइल टॉकिंग ऑन द फोन ऑन फ्राइडे मॉर्निंग आई टोल्ड हिम नॉट टू हरी कमिंग डाउन द पीक। तो जब मैं बात कर रही थी उससे फ्राइडे वाले मॉर्निंग में, तो मैंने उसको कहा पीक से आराम से उतरना, ठीक है, फादर बोले उसके, ठीक है, फादर की बात हो रही होगी उससे। तो फादर ने बोला कि आप आराम से उतरना, कोई जल्दी मत करना। कैप्टन संजीव वाजपेयी, कैप्टन संजीव वाजपेयी कौन है, उसके पापा का नाम है। अर्जुन वॉज अ बिट अपसेट आफ्टर स्केलिंग माउंट एवरेस्ट एज हिज कैमरा बैटरी हैड रन आउट एंड ही कुड नॉट क्लिक फोटोग्राफ। तो अर्जुन जब ऊपर चढ़ गया था माउंट एवरेस्ट के, तो वो काफ़ी अपसेट हो गया क्योंकि उसका कैमरा जो था वो डाउन हो चुका था। बट दिस टाइम ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड क्लिकिंग फोटोग्राफ फ्रॉम माउंट लोसे, सेड वाजपेयी। बट इस बार वो कहाँ चढ़ रहा था, माउंट लोसे पे चढ़ रहा था, और इस बार वो काफ़ी खुश था क्योंकि उसने काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स ले लिए थे। माउंट लोसे से आपको माउंट एवरेस्ट साफ साफ दिखाई देती है। अर्जुन सिस्टर गौरी सेड द टीनेजर फर्स्ट गॉट इंटरेस्ट इन माउंटेनियरिंग व्हेन ही वेंट टू पुणे। तो सबसे पहले उसका इंटरेस्ट कहाँ जाएगा माउंटेन्स पे चढ़ने के लिए, जब वो पुणे गया। ही हैड गॉन टू विजिट हिज ग्रैंड मदर इन पुणे व्हेन ही फर्स्ट स्टार्टेड ट्रैकिंग इन द सह्याद्री हिल्स। तो सबसे पहले उसने कहाँ ट्रैकिंग शुरू की, सह्याद्री हिल्स में, जो पुणे में है। और तब क्या कर रहा था, पुणे में अपनी ग्रैंड मदर को विजिट करने गया था। ही गॉट एडिक्टेड टू द फीलिंग ऑफ बींग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और वहीं से उसको एडिक्शन लग गई क्या करने की, माउंटेनियरिंग करने की। लेटर अर्जुन एनरोल्ड फॉर अ कोर्स इन माउंटेनियरिंग एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ट्रेनर्स दीज देयर रिकॉग्नाइज्ड हिज पोटेंशियल एंड एनकरेज हिम टू एम फॉर एवरेस्ट शी एडिट। तो उसने वहाँ पे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी किया और वहाँ पे उसने माउंटेनियरिंग सीखी, और वहीं पे उसको जो है इनक्रेज किया गया कि वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़े। तो इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आप इसकी बैक एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करके प्रदीप सर के नंबर पे सेंड करिए।